हेलो दोस्तों, कैसे हो? आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों को स्वागत है। दोस्तों, क्या आप भी यूट्यूब क्रिएटर हो? आप भी यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करते हो, चाहे आप शॉर्ट वीडियो अपलोड करते हो या फिर आप लॉन्ग वीडियो अपलोड करते हो, तो क्या आपके वीडियो में व्यूज नहीं आ रहा, आपका वीडियो वायरल नहीं हो रहा है? तो दोस्तों, अपने YT स्टूडियो में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सेटिंग रहता है जिसको आपने अभी तक ऑन नहीं किया होगा, इसी कारण से दोस्तों आपको वीडियो में व्यूज नहीं आ रहा, आपको वीडियो वायरल नहीं हो रहा है। दोस्तों, आज हम आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सेटिंग के बारे में बताने वाला हूँ जो आज तक आपको कोई यूट्यूब पर नहीं बताया होगा। आखिर मानो दोस्तों, अगर इस सेटिंग को अच्छी तरह से आप समझ लेते हो और अपने चैनल में ऑन कर लेते हो, तो अगर आप शॉर्ट वीडियो अपलोड करते हो तो कुछ ही घंटे के अंदर आपको वीडियो शॉर्ट फीड में जाना शुरू हो जाएगा। अगर आप लॉन्ग वीडियो अपलोड करते हो तो कुछ ही घंटे के अंदर आपको यूट्यूब आपको वीडियो को रिकमेंड में भेजना शुरू कर देगा। तो दोस्तों, इस सेटिंग को अच्छी तरह समझने के लिए और अपने चैनल में वन करने के लिए आज की इस वीडियो को आपको पूरा देखना पड़ेगा। और वीडियो अगर पसंद आएगा दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे। चलिए देखने का वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजू कुमार, आप लोग स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, इस सेटिंग को ऑन करने के लिए ना आपको यूट्यूब एप्लीकेशन ऑन करना पड़ेगा, ना आपको क्रोम ब्राउजर ऑन करना पड़ेगा। इसके लिए सिंपली दोस्तों आपको YT स्टूडियो एप्लीकेशन ऑन करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आपको ऑन कर लेते हैं। YT स्टूडियो एप्लीकेशन जब ऑन करोगे तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर नीचे आपको कंटेंट का आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, सिंपली इसमें आपको क्लिक कर देना है। इसमें जब आप क्लिक करोगे दोस्तों, यहाँ पर कोने में आपको फिल्टर का ऑप्शन दिखने मिलेगा। ठीक है, तो सिंपली इस फिल्टर के ऑप्शन आपको क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ जब क्लिक करोगे तो यहाँ पर कुछ आपको ऐसे इंपॉर्टेंट सेटिंग देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अच्छे से समझना है दोस्तों। इसको जब ऊपर स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर देखो दोस्तों, अगर स्टोरी बैक ऑप्शन आया तो यहाँ पर देखे देने मैंने क्लिक करके रखा है मस्ट रिसेंट में। तो सिंपली दोस्तों को पहला वाला ऑप्शन आपको क्लिक करके रखना है, दूसरा आपको क्लिक करके नहीं रखना है। ठीक है, नीचे आया दोस्तों विजिबिलिटी, यहाँ पर आप देख सकते हैं विजिबिलिटी, यहाँ बहुत सारा आपको ऑप्शन आएगा, चार ऑप्शन पांच ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली आपको क्या करना है दोस्तों, पब्लिक में आपको टिकअप करके रखना है। यहाँ इसलिए पब्लिक में रखना है दोस्तों, जब भी आपको वीडियो अपलोड करेगा तो पब्लिक में जाएगा। पब्लिक में आपको वीडियो जाएगा तो वहाँ अच्छा खासा व्यू जाएगा और आपको वीडियो वायरल होने का चांस रहेंगे। ठीक है, तो पब्लिक में सिलेक्ट करना है। ऊपर जब नीचे स्क्रॉल आएगा दोस्तों, व्यूज में आएगा, व्यूज में दोस्तों देखिए मैंने मोर देन में सिलेक्ट करके रखा है। बहुत सारे लोग लेस देन में सिलेक्ट करके रखते हैं, तो लेस देन में आपको नहीं रखना है। लेस देन अगर आप रखते हो दोस्तों, जैसे आप वीडियो को अपलोड करेगा तो आपको वीडियो को देखते हो आपको CTR जो तुरंत गिर जाएगा, CTR गिरेगा तो आपको वीडियो में व्यूज नहीं आएगा। तो दोस्तों आपको मोर देन में आपको सिलेक्ट करके रखना है पहला ऑप्शन में। ठीक है, यहाँ ऊपर स्क्रॉल करोगे दोस्तों, यहाँ पर देखें मैट्स फॉर काइट दिया है। अगर आपको बच्चे का आप चैनल बनाते हो, ठीक है, बच्चे का चैनल का वीडियो बनाते हो तो यहाँ पर देखो तो उसमें आप मैट्स फॉर काइट में सिलेक्ट करके रख सकते हो। अगर आपका वीडियो बच्चे वाला वीडियो आपका नहीं है तो आपको क्या करना है दोस्तों, तीसरा ऑप्शन में सिलेक्ट कर देना है नॉट मेड फॉर काइट्स। ये क्या होगा दोस्तों, आपको आपको जो वीडियो बच्चे के पास में नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद दोस्तों क्या करना है दोस्तों, आपको जो अप्लाई का जो ऑप्शन दिया है, सिंपली अप्लाई का ऑप्शन में क्लिक कर देना है। तो यहाँ से दोस्तों सेटिंग आपका हो गया, लेकिन अभी रुकियो दोस्तों, अभी पूरा सेटिंग हुआ नहीं है, अभी आधा हुआ आधा भी बाकी है। तो अभी और सेटिंग पूरा करने के लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो कमेंट का ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है, तो सिंपली आपको कमेंट का ऑप्शन में क्लिक करना है। यहाँ जब क्लिक करोगे फिर आपको कोने में फिल्टर का ऑप्शन दिखेगा दोस्तों, फिल्टर का ऑप्शन में आपको सिंपली क्लिक करना है। यहाँ जब क्लिक करोगे फिर आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सेटिंग आपको आएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, ऊपर स्क्रॉल करोगे तो आएगा यहाँ पर सेटिंग। तो यहाँ पर देखिए ऊपर लिखा कमेंट ऐप में, तो मैंने पब्लिश करके रखा है दोस्तों यहाँ पर देखिए, क्योंकि जब भी मेरा कमेंट आएगा दोस्तों सब लोग देख सकता है, तो आपको यहाँ पर पब्लिक में रखेगा आपको बेटर रहेगा। ठीक है, नीचे आया दोस्तों रिस्पॉन्स स्टेटस में, तो यहाँ भी आपको पहला ऑप्शन आपको क्लिक करके रखना है, दूसरा तीसरा आपको नहीं रखना है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हो ऊपर स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर देखिए सर्च फॉर कीवर्ड आपका यहाँ पर आया। तो यहाँ पर आपको अच्छे से समझना है, तो एक कीवर्ड आपको यहाँ इसलिए दिया गया है, जब भी आपको वीडियो अपलोड करते हो तो उसका जो आप टाइटल रखते हो तो यहाँ पर आपको लिख के सर्च करना है। यहाँ पर जब लिख के सर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस टाइटल से हमारे रखते हैं अपने वीडियो में टाइटल, तो इस टाइटल से दोस्तों हमारे वीडियो में कितना व्यू जाएगा, हमारे वीडियो वायरल होने का चांस रहेगा नहीं रहेगा, मेरा वीडियो में कितना रीच आएगा, टोटल चीज आपको यहाँ पर दिख जाएगा जब आपने जो वीडियो का जो टाइटल लिखे आप यहाँ पर सर्च करोगे तब। ठीक है, तो यहाँ पर एक ऑप्शन अच्छा ऑप्शन है, यहाँ पर आप ट्राई कर सकते हो एक बार। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं नीचे देखे दोस्तों कंटेंट क्वेश्चन दिया है, पब्लिक सब्सक्राइबर दिया है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, सिंपली आपको क्या करना है, पब्लिक सब्सक्राइबर देख कर देना है। यहाँ पर पहले क्या था दोस्तों, आपको सब्सक्राइबर हैड हो जाता था, लेकिन अब सब्सक्राइबर हैड नहीं होता है, तो आपको पब्लिक कंट सब्सक्राइबर में आपको रख देना है। ठीक है, अब बात करते जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग है उसके बारे में, यहाँ पर आप देख सकते सब्सक्राइबर काउंट दिया है। तो अगर आपको नया नया चैनल है दोस्तों, आपने नया नया चैनल को क्रिएट किया है, तो पहली बार अपने चैनल में कितने सब्सक्राइबर को अचीव करना चाहते हैं, 10,000, 20,000, 50,000, 1,00,000, 10,00,000, 20,00,000, कितना चाहते हैं सब्सक्राइबर अचीव करना, तो यहाँ पर आपको दिया है। ठीक है, यहाँ पर आपको सिलेक्ट करके रखना है। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, 10 मिलियन में सिलेक्ट कर देते हैं, नीचे जो ऑप्शन दिख रहा है 10 मिलियन में सिलेक्ट कर देते हैं। अगर अगर आपका नया नया चैनल है, अगर आपके चैनल में 200-300 सब्सक्राइबर है, अगर आप 10 मिलियन सिलेक्ट करके रख दोगे तो दोस्तों आपको क्या है, सब्सक्राइबर आपका चैनल में बढ़ने में बहुत दिन लग जाएगा, आपको 1,000 सब्सक्राइबर भी बढ़ने में, 1,000 सब्सक्राइबर में पूरा होने में बहुत समय लग जाएगा। तो दोस्तों क्या आपको ज्यादा सब्सक्राइबर आपको यहाँ पर सिलेक्ट करके नहीं रखना है, 10 मिलियन सिलेक्ट करके नहीं रखना है। अगर आपको नया नया चैनल है, अगर आपको 200-300 सब्सक्राइबर है,
तो पहले दोस्तों क्या करें, 1000 में सिलेक्ट करके रखिए, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1K में सिलेक्ट करके रखिए, जब आपको 1K पूरा हो जाएगा फिर आपको 10K कर देना है। यहाँ पर बार बार आपको सेटिंग चेंज करते रहना है, ठीक है। 10K जब हो जाएगा तो दोस्तों 100K में रख देना है, जब आपका 100K हो जाएगा तो 1 मिलियन या 10 मिलियन आपको कर देना है, ठीक है। तो इस तरह से सेटिंग आपको चेंज करते रहना है। तो अभी मैं दोस्तों क्या करेंगे, अभी 10K में रख देंगे यहाँ पर, ठीक है। ये सेटिंग पूरा करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली जो अप्लाई का जो ऑप्शन दिया है यहाँ पर, तो सिंपली क्या करना है दोस्तों, अप्लाई कर देना है, ठीक है। यहाँ से दोस्तों आपका सेटिंग ये हो चुका है पूरा, ठीक है दोस्तों। तो अगर इस प्रकार से अपने YT स्टूडियो पूरा सेटिंग आप क्लियर कर लेते हो, वन कर लेते हो, तो अकिन मान दोस्तों कुछ ही दिन में आपको, कुछ ही घंटे में, कुछ ही दिन में आपको अच्छा रियल देखने को मिलेगा। आपको वीडियो में ज्यादा ज्यादा व्यूज आने के चांस बढ़ जाएंगे और आपको वीडियो वायरल होने के भी चांस बढ़ जाएंगे। तो इस प्रकार से कुछ दोस्तों अपने चैनल में आप सेटिंग को इनेबल आप कर सकते हो। आई होप कि दोस्तों आज की वीडियो देखने के बाद आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि अपने YT स्टूडियो में आपको कैसे सेटिंग आपको इनेबल करना, ऑन करना है। अगर वीडियो को पसंद आए दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पहली बार चैनल को तो सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।